मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम ड्राइंग में पेज नंबर 35 फिल करेंगे। तो हमारा पहले पेज नंबर 35 रह गया था ना, और हमने 36 पहले कर लिया था, तो आज हम पेज नंबर 35 फिल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। हाउस बोट कॉटन एंड पल्सेस पेस्टिंग। तो आपको ये क्या दी गई है, एक हाउस बोट दी गई है। इस हाउस बोट में हमें कॉटन पेस्ट करनी है। कहाँ पर कॉटन पेस्ट करनी है, जहाँ पर स्मोक है, जहाँ पर क्या है, स्मोक धुआं दिखाया गया है, तो धुएं की जगह पर आपको क्या पेस्ट करनी है, कॉटन। और आपको बाकी जो हाउस बोट है, उस हाउस बोट में आपको पल्सेस मीन्स दालें पेस्ट करनी है। इन सब के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, दालें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, दालें। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन सी दालें होनी चाहिए। देखिए आपके पास, मैं दालों के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये जो स्मोक है, स्मोक वाली प्लेस है, वहां पर हम क्या करेंगे, पहले आप इस तरीके से कॉटन लीजिए और कॉटन को थोड़ा फ्लैट कर लीजिए। देखिए स्प्रेड करके इस तरीके से आप उसको फ्लैट कर लीजिए। ठीक है, फ्लैट करने के बाद जहाँ पर स्मोक है, जहाँ स्मोक शो किया गया है, वहाँ पर आप क्या पेस्ट करेंगे, कॉटन। ठीक है, तो अच्छे से कॉटन को स्प्रेड कर लीजिए। देखिए कॉटन को स्प्रेड करने के बाद हम ये जो यहाँ पर एरिया है, वहाँ पर हम कॉटन पेस्ट करेंगे। तो रिमेम्बर इट कि आपका बाहर ना निकले। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा फेविकॉल लेंगे और उस फेविकॉल को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, हमने ऐसे ही कॉटन लगा ली, और उधर जो रह गया है उधर हम और कॉटन लगा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉटन मत लगाइएगा, लिमिटेड ही लगाइएगा ताकि आपकी वो बाहर ना निकले कॉटन। देखिए ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से हम इस कॉटन को यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, जहाँ पर आपको थोड़ा एम्प्टी लगे वहाँ पर और कॉटन पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कॉटन पेस्ट हो गई। अब हम क्या लेंगे बच्चों, रेड कलर। पहले कॉटन को थोड़ी देर सूखने देंगे, फिर हम क्या लेंगे, रेड कलर। और रेड कलर से हम यहाँ यहाँ और ये इधर जहाँ जहाँ हमें रेड कलर फिल करना है, वहाँ पर हम रेड कलर फिल कर देंगे। देखिए बच्चों, हमने रेड कलर और क्या कर लिया, रेड कलर भी कर लिया। देखिए यहाँ पर, और हमने यहाँ पर ऊपर कॉटन भी पेस्ट हो गई थी हमारी। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर पल्सेस। देखिए इसके लिए हम फर्स्ट ये वाली पल्सेस लेंगे। देखिए सबको दिखाई दे रही है ना, ये जो ब्लैक वाली होती है, मीन्स ये क्या है, काली मसूर की दाल। और आप सभी को ये ब्लैक वाली दाल लेनी है, ब्लैक दाल लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे ये येलो वाली दाल। कौन सी दाल है ये, येलो वाली दाल, और इट्स इसे हम चने की दाल भी कहते हैं, या फिर आप चने की दाल की बजाय अरहर की दाल भी ले सकते हैं। ओके, तो हम सेकंड दाल आपकी ये हो गई। नाउ थर्ड वन इज ये, आपको ये वाली दाल लेनी है। ये है आपकी छिलके वाली दाल है, तो आप इसको छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं, या फिर आपके घर पर लाल मसूर की दाल हो तो आप लाल मसूर की दाल ले सकते हैं। मैंने आपको पल्सेस बता दी ना, आपके ऊपर थोड़े चॉइस है, जरूरी नहीं है जो गिवन है वही हम पेस्ट करें। डजंट मीन जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़े से क्या पेस्ट करेंगे, काबली जो काबली चने होते हैं, हम ये काबली चने पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे आइटम्स का आप अरेंजमेंट कीजिए, फिर हम इसको बनाते हैं। ओके बच्चों, आप सारी दाल को मिक्स मत करें, जैसे इसमें मिक्स करके किया है आप ऐसे मत करिए। आप क्या कीजिए, आप सिंगल सिंगल हम इस प्लेस पे अलग दाल पेस्ट करेंगे, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग। तो हम यही करते हैं, तो फर्स्ट हम इसको, पहले हम यहाँ पर फेविकॉल पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हैंड से या फिर आप स्टिक से या फिर आपके पास ग्लू स्टिक होगी उससे आप यहाँ पर अच्छे से फेविकॉल को स्प्रेड कर लीजिए। देखिए, और फिर हम यहाँ पर दाल पेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कुछ पेस्ट करके दिखाती हूँ, फिर आप खुद पेस्ट करिएगा। देखिए, हम ऐसे लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अगेन। और ध्यान रखिएगा, आपको सीधे सीधे करनी है, कोई भी जल्दबाजी में ये नहीं कि आपने फेविकॉल लगाया और जस्ट उसके ऊपर दाल आपने स्प्रेड कर दी। नहीं, आपको सीरीज वाइज अच्छे से बनानी है, ठीक है। आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर हमें अच्छा चाहिए तो टाइम तो लगेगा ही फिर, ठीक है। देखिए, ये है, आपने सिर्फ वन बाय वन आप क्या करते जाएंगे, वन बाय वन इस तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। कोई भी जल्दी नहीं करेगा कि टाइम लगेगा इसलिए आप करें ही ना, या फिर आप बस ऐसे ही दाल को स्प्रेड कर दें। थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप ड्राइंग को कीजिएगा, ठीक है। देखिए, दूसरा हम आगे लेते हैं ऐसे, इसको आपको वन बाय वन यहाँ पर पेस्ट कर लेना। और हम बीच में स्पेस, यहाँ पर हमें काबली चना भी पेस्ट करना है, सो हम बीच में थोड़ा सा यहाँ पर ग्लू लगाकर और ये बीच वाली साइड में हम काबली चने पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर हम इसके चारों ओर दाल लगा लेते हैं, पहले इसको फेविकॉल करके दाल लगा लेंगे अब सभी। चलिए, आप ग्रीन वाली दाल लगाइए, फिर मैं आपको आगे लगाना सिखाती हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने फर्स्ट दाल पेस्ट कर ली, नाउ वी आर गोइंग टू पेस्ट सेकंड दाल। अब हम यहाँ पर ब्लैक वाली दाल पेस्ट करेंगे, तो आप फेविकॉल लगा लीजिए और इस तरीके से वन बाय वन प्लीज। आपको अगर अपनी ड्राइंग बिल्कुल साफ चाहिए, अच्छी चाहिए, तो आप वन बाई वन ही पेस्ट करें, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा ना, कहीं पर सीधी कहीं पर उल्टी, या फिर आप इसको कर सकते हैं स्प्रेड करके, बट ध्यान रखिएगा सही से स्टिक हो। देखिए, इस तरीके से हम वन बाई वन ऐसे पेस्ट करते जाएंगे। देखिए, ओके, इस तरीके से हम ये सेकंड वाले पार्टीशन में ब्लैक दाल पेस्ट करेंगे। देखिए, ठीक है, सेकंड वाले पार्टीशन में आप कौन सी दाल पेस्ट कर देंगे अच्छे से, ब्लैक दाल, ठीक है। तो आप ये पूरे इधर पार्टीशन में यहाँ पर आप कौन सी दाल पेस्ट कर देंगे, ब्लैक दाल। और एक बात ध्यान रखिएगा, ब्लैक दाल पेस्ट करते करते आप बीच बीच में, ये है ना आपके पास ये काबली चने, तो आप इन बीच बीच में इन काबली चनों को भी पेस्ट करते जाइए, भूलिएगा मत। इनको भी आप बीच बीच में स्पेस यहाँ पर है, आप बीच बीच में इसको क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। आप अपने इसमें देख सकते हैं कि कहाँ पर पेस्टेड है और कहाँ नहीं, तो आप उस जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक पेस्ट कर दिया, ओके, तो ये बीच बीच में आप पेस्ट कर सकते हैं, ओके बच्चों। देखिए, अच्छे से आप फेविकॉल अप्लाई कर सकते हैं, देन पेस्ट इट। ये मैंने इसलिए लगा ली ताकि मुझे याद रहे कि ये मुझे लगाने हैं। नाउ अब हम नीचे देखते हैं, ये आप जो लास्ट वाला बॉटम सबसे लास्ट में है उसे देखते हैं। और यहाँ पर लास्ट में हम इसको, मैं ऐसे वे में कंप्लीट कर लूंगी, लास्ट में देखिए हम ये येलो वाली दाल पेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट आप फेविकॉल अप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम फेविकॉल अप्लाई कर लेंगे, ओके। आफ्टर अप्लाइंग फेविकॉल वी विल पेस्ट दाल। और ये आप ऐसे ही स्प्रेड ना करें, क्योंकि ये ना यहाँ से सीधी है और फिर एक तरफ से उल्टी है, तो ये आपकी रॉन्ग पेस्ट हो सकती है, इसलिए आप इसे भी वन बाई वन ही पेस्ट करें, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और
और आप लोग की ड्राइंग बुक्स होती हैं उन्हें आप चेक करने के लिए भी भेज सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी ड्राइंग बनाइए, ठीक है। जरूरी नहीं आप एक पेज हो जाता है तो ही सेंड कीजिए, क्योंकि हर मंडे होती है आपकी ड्राइंग स्लिप पोस्ट। फिर ये है ना कि अगर आपके यहाँ पर सबमिट होगी तो आप नहीं कर पाएंगे, बट जब आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर हम चेक करने नहीं भेजते हैं तो हमारी हम नहीं करें या करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी भी आपकी ड्राइंग बुक मंगवा सकती हूँ और एट अ टाइम देख सकती हूँ, फिर आपको पता भी नहीं होगा कि हमने फिल करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम येलो दाल पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये हो गई, अच्छी तरीके से पेस्ट करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए ओके, वन बाई वन आप यहाँ पर भी ये वाली दाल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए पेस्ट कर लीजिए, देखिए है ना, सभी तरीके से पेस्ट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए ओके, तो इसी वे में आप यहाँ पर ये जो इधर लेस है यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। एंड रिमेम्बर इट, बीच बीच में आप ये जो काबली चने हैं इन्हें भी आप पेस्ट कर दें, ठीक है। चलिए पेस्ट कर लीजिए, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिख रही है ना आप सभी को, मैंने इस तरीके से पूरी स्पेस पर ये येलो वाली दाल और ऊपर ब्लैक वाली दाल पेस्ट कर ली। मेरी थोड़ी सी रह गई है, इसे मैं आपके सामने ही पेस्ट करती हूँ। देखिए इस तरीके से आप सीधी सीधी पेस्ट करिएगा, उल्टी नहीं पेस्ट करिएगा, देखिए है ना। ऐसे आगे हम इसको इसी तरीके से ये करेंगे, देखिए। फिर हम यहाँ पर और लेते हैं, तो आपको इसी तरीके से येलो वाली दाल से, ब्लैक वाली दाल से, और हम कह सकते हैं ग्रीन वाली दाल से, और आपके पास ग्रीन वाली दाल ना हो तो आप लाल मसूर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विच हैज रेड कलर। ओके, देख लीजिए आपके पास जो कलर हो, जिस कलर की दाल अवेलेबल हो आप वही दाल इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको यही वाली दाल इस्तेमाल करनी है, जो थोड़ा बस इससे मिलती जुलती करनी है। वैसे ही आपके पास ये वाली दालें होंगी तो आप इन्हें ही यूज करें। तो हमारा अब आप ये देख सकते हैं पूरी पेंटिंग कम्प्लीट हो गई ना बच्चों। अब आप चाहें तो इसको ब्लैक कलर से क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं, देखिए जैसे, वरना आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आउटलाइन करने में अगर आपकी दाल हट जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारी पेंटिंग तैयार हो गई है बच्चों, ठीक है। सभी को अच्छी लग रही है, और मैंने देखिए बीच बीच में ये काबली चने भी पेस्ट किए गए हैं, तो ये आपकी अब पेंटिंग तैयार हो गई। तो आज आपका होमवर्क है कि आप सभी को पेज नंबर 35 कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब कंप्लीट हो जाए सभी का, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।